हो हो क्या हो रहा है घर में ज्यादा किसकी चलती है मिस्टर गोयल गोयल या बच्चों की आपके बच्चे क्या वो आपसे डरते ज्यादा है या प्यार ज्यादा करते हैं डर तो ज्यादा आप कहा से बोल रहे हो डरते ही नहीं है <laughs> प्रॉब्लम तो है। नहीं बहुत प्यार करते हैं बहुत भगवान की दया से इतने अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे लगता है दैट्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव इन लाइफ फैमिली गिव्स मी स्ट्रेंथ माई वाइफ एंड टू चिल्ड्रेन इनकरेज मी टू डू बेटर वर्क मेरे को भी चेक में रखते हैं कुछ गलत कर हो रहा हो तो मेरे को बताते रहते हैं इसको ठीक करो उसको ठीक करो मैं मीटिंग में बैठा होता हूं और कोई टीवी पे न्यूज़ आती है कि अगेन टू गो बैक टू दैट टमाटर का एग्जाम्पल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो माई आई गेट इमीजिएट फीडबैक कि कुछ करो इसके लिए और उसी से फिर नए आइडियाज आते हैं कुछ करने में क्या आपको बचपन में अच्छा लॉन्च पैड मिला जैसे वरुण धवन को डेविड धवन ने दिया और अर्जुन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर ने दिया आपके पेरेंट्स सेम प्रोफेशन में थे तो क्या मम्मी पापा पॉलिटिक्स में थे उसका कुछ फायदा मिला आपको देखिए फायदा तो अवश्य मिलता ही है क्योंकि एक प्रकार से एक एक्सपोजर एक मिला आ, लोगों से मिलना जुलना हुआ घर पे लोग बड़े बड़े नेता आते थे तो उनसे सीखने को बहुत मिला लेकिन हमारी पार्टी की एक विशेषता है कि आपको कोई पद सिर्फ आपके सरनेम के आधार पर कभी नहीं मिलेगा मैं शुरुआत से बचपन से शौक था राजनीति का थोड़ा अटल जी ने भी प्रभावित किया था वो हर बार कहते थे कि जीवन तो अपना अच्छा चलेगा ही जो भी करोगे करना लेकिन समाज के लिए भी कुछ करना है देश के लिए भी कुछ करना है और उनका ऑलवेज मानना रहता था कि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी राजनीति अच्छी होगी ये हमारे मेरे कई दोस्तों फ्रेंड्स को भी वो बोला करते थे कभी घर आए हैं मेरे दोस्त आए हुए हो मिले हर बार कहते थे वी नीड गुड पीपल है मैंने देखा तीन लोगों लो लो से आपने सीखा एक आपके पेरेंट्स एक वाजपेयी जी और एक अभी जो आपके करंट लीडर हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप ज़्यादा फॉलो किसको करते हैं पेरेंट्स को वाजपेयी जी को या प्राइम मिनिस्टर को मतलब या कोई ऐसी बात बताएं जो आप आज भी बहुत काम आती है यार ये बातों हमें बहुत काम आती है मुझे लगता है कार्यकर्ता का सम्मान अल्टीमेटली हमारे कार्यकर्ता ही हमारी आधार है जिसके ऊपर हम आज यहाँ पे बने हुए हैं या हमारी सरकार बनी हुई है जैसे हम कॉर्पोरेट में बोलते हैं योर मैन पावर पावर कैन मेक यू सुपर तो आप टीम बिल्डिंग में तो बहुत काम करते हैं और और ये भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा कि व्यक्ति का निर्माण करना व्यक्तित्व भी निर्माण करना व्यक्ति में चरित्र भी निर्माण करना और ये मुझे लगता है बचपन से बहुत सीखने को मिला माई फादर पास्ट अवे इन टू थाउजेंड एंड एट एंडिल दैट टाइम मदर एट रिटायर्ड फादर एट पास्ट अवे अनटिल दैट टाइम में मुंबई का भी बहुत छोटे लेवल पर ही कार्य करता था तो हमारी पार्टी में कोई क्योंकि पा, पापा मम्मी पद पर थे मुझे नहीं मिलना था पर दो हजार आठ में एक बार जरूर मैं मेरे फादर के पास गया मई में जब उनकी टर्म राज्यसभा की ख़त्म हो रही थी कि पापा मुझे भी तीस साल हो गए लगभग करीब करीब पच्चीस साल हुए थे उस टाइम पे आप एक बार तो मेरे लिए कुछ कहिए ना ऊपर तो मैं अलग रहता था उन्होंने मुझे घर बुलाया और एक घंटा मेरे साथ बात की और मुझे बोला कि समझो तुम्हारा होता भी हो इस टाइम तो तुमने लेना नहीं चाहिए और मेरे बोलने का तो सवाल ही नहीं होता तुम्हें जब मौका आएगा जब पार्टी को उचित लगेगा तुम्हारे काम के आधार पे, तुम्हारे मेरिट्स पे जब होगा तब होगा अब तुम कुछ भी बनते हो तो वो जिंदगी भर तुम्हें मेरे नाम पे है।